हेलो गाइस, हमने प्रीवियस लेक्चर में फोर्स डैम वाइब्रेशन की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था एंड वी हैव फाउंड द स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड और द स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स ऑफ द फोर्स डैम वाइब्रेशन सिस्टम। तो आज हम फोर्स डैम वाइब्रेशन का एक ऐसे न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स निकालना है, बट जो फोर्स है वो है रोटेटिंग अनबैलेंस का। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में जो फोर्स दिया हुआ है वो स्टेप इनपुट या साइनोसॉइडल नहीं है या पीरियडिक फोर्स नहीं है, ये है रोटेटिंग अनबैलेंस का। तो इस फोर्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टेप इनपुट में, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। द इलेक्ट्रिक मोटर इज सपोर्टेड ऑन अ स्प्रिंग एंड अ डैशपॉट। The spring has a stiffness of K that is given is equal to 6400 Newton per meter and a dashpot offers a resistance of 500 Newton at 4 meter per second. Okay, so the damping force hai wo diya hua hai which is equal to 500 Newton or damping velocity di hui hai that is equal to 4 meter per second, right? तो अगर डैम्पिंग फोर्स और वेलोसिटी गिवन है तो जो डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है विच इज इक्वल टू डैम्पिंग फोर्स डिवाइड बाय वेलोसिटी, सो इट इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 4, सो इट इज इक्वल टू 125 न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड द अनबैलेंस मास रोटेट्स एट स्मॉल आर दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 0.05 मीटर और टोटल मास दिया हुआ है कैपिटल एम, सिस्टम का पूरे का मास दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 20 kg और एक अनबैलेंस मास 0.5 kg है, 0.5 kg। तो एक अनबैलेंस मास है स्मॉल एम विच इज इक्वल टू 0.5 kg है जो रोटेट हो रहा है। ओके, तो हमारा सिस्टम है वो कुछ इस टाइप का है कि एक मशीन है और ये मशीन कंपोनेंट स्प्रिंग पर है और एक डैशपॉट पर है। ओके, ये फिक्स। ओके, और यहाँ पर एक अनबैलेंस मास है स्मॉल एम जो आर रेडियस पर है और जो रोटेट हो रहा है, तो उसकी वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा है वो ये डायरेक्शन में होगा। दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो इस जो रोटेटिंग मास, इस रोटेटिंग मास की वजह से जो अनबैलेंस फोर्स है वो कितना, एंड वो दैट अनबैलेंस फोर्स एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ द डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल एम 0.5 आर 0.05 इंटू ओमेगा एज आर पी एम गिवन है अपने को, एंड आर पी एम का जो वैल्यू है एन विच इज इक्वल टू 400 आर पी एम, दैट मीन्स अगर इसको हम कन्वर्ट करिए 2πN/60 विच इज इक्वल टू 41.88 रेडियन पर सेकेंड। सो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 41.88 का स्क्वायर, तो जो टोटल फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू 43.84 न्यूटन। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। तो हमें सबसे पहले जो फाइंड करना है वो है डैम्पिंग फैक्टर। नंबर फर्स्ट हमें डैम्पिंग फैक्टर फाइंड करना है जीटा। नंबर सेकंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कौन से केस में, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो होगा स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स हमें फाइंड करना है। जनरली कुछ बुक में डिफाइन किया है एक्स एस से, किसी में डिफाइन किया है ए से, तो हमें अल्टीमेटली स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स फाइंड करना है और विच इज डिफाइंड एज एफ जीरो बाई के डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का
होल स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। एंड दी थर्ड हमें निकालना है रेजोनेंट स्पीड एन आर, और उस रेजोनेंट स्पीड पे मेरा एम्पलीट्यूड, ये तीन चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो आपको कुछ रिलेशन भी पता होने चाहिए, जैसे कि स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड का रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है, बट हमें डैम्पिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो और हमें पता है कि डैम्पिंग फैक्टर से रिलेटेड कुछ क्वांटिटी हमें पता है, तो वो है डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो डैम्पिंग कोफिशिएंट और डैम्पिंग फैक्टर के बीच में अगर हम रिलेशन फाइंड आउट कर ले तो हमें शायद डैम्पिंग फैक्टर मिल ले। तो जो डैम्पिंग कोफिशिएंट और डैम्पिंग फैक्टर के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है कि सी इज इक्वल टू 2 zeta m ω n। अब यहाँ से देखते हैं कि हमने कौन से पैरामीटर ऑलरेडी नोन है और कौन से अननोन है। तो यहाँ पर मास हमें पता है बट ओमेगा एन नहीं मालूम है, सो वी कैन फाइंड द ओमेगा एन। ओमेगा एन इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा एन दैट विल बी इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ के बाई एम, राइट। सो ये वैल्यू होगी, हमें पता है कि के इज इक्वल टू 6400 एंड द मास ऑफ द टोटल सिस्टम विच इज इक्वल टू 20 kg। तो जो मेरा फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज इक्वल टू 17.88 रेडियन पर सेकेंड। ओके, वी हैव फाउंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। नाउ वी विल फाइंड द डैम्पिंग फैक्टर बाय द फॉर्मूला सी इज इक्वल टू 2 zeta m ω n, वेयर द सी इज इक्वल टू 125, टू वी हैव टू फाइंड जीटा, मास इज 20 kg एंड ओमेगा एन इज इक्वल टू 17.88। सो फ्रॉम देयर वी विल फाइंड द जीटा एंड द डैम्पिंग फैक्टर जीटा विल बी इक्वल टू 0.175। एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़ है वो हमें फाइंड आउट करना है द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, दैट मीन इट इज द स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, तो दैट मीन्स इट इज द स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स और एम्पलीट्यूड। सो इट इज एक्स एस इज इक्वल टू एफ जीरो बाई के डिवाइड बाई द अंडर रूट ऑफ 1 - ω/ω n का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 zeta ω/ω n का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ अननोन है, एफ जीरो पता है, के पता है, ओमेगा पता है हमें, ओमेगा इज द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे मोटर के आरपीएम से, इट इज इक्वल टू 2π n/60, दिस इज इक्वल टू 41.88 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा एन हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, जीटा पता है, दैट मीन्स कोई भी अननोन नहीं है, और यहाँ से जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें जो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स मिलेगा एक्स एस इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻³ मीटर। एंड थर्ड चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस चीज़ क्या होती है, रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर हमारा जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, तो वो कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस स्पीड मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन इज रेजोनेंस स्पीड हम निकालेंगे, और रेजोनेंस स्पीड कौन सी होगी जो हमें मिलेगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से, एज ओमेगा एन इज गिवन 17.88 रेडियन पर सेकेंड एंड ओमेगा एन इज इक्वल टू 2π n/60 हमें आरपीएम निकालना है। तो यहाँ से जब आरपीएम निकालेंगे तो वो आरपीएम होगा रेजोनेंस आरपीएम एंड विच इज इक्वल टू 170.82 rpm। ओके, तो ये आरपीएम है हमारे रेजोनेंस आरपीएम। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये रेजोनेंस आरपीएम पर हमारा एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो ऑलवेज याद रखें कि रेजोनेंस कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर मेरा ओमेगा द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, दैट मीन्स ओमेगा बाई ओमेगा एन इज इक्वल टू 1। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मिलेगा, बट वो वाइब्रेशन कौन सा होगा,
रेजोनेंट एम्पलीट्यूड हमें जो मिलेगा वो मिलेगा एम्पलीट्यूड, और वो एम्पलीट्यूड कौन सा होगा, रेजोनेंट एम्पलीट्यूड। जैसे वैल्यू पुट किया तो ओमेगा बाई ओमेगा एन वन है, दैट मीन्स ये एक टर्म होगी जीरो, ये टर्म जीरो हो गई, ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, तो हमारे पास जो वैल्यू होगा वो होगा एफ जीरो बाई के डिवाइड बाई टू जीटा ओमेगा बाई ओमेगा, ये भी ऑलरेडी वन हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू होगा एफ जीरो बाई के अपॉन टू जीटा, और यहाँ से जो एम्पलीट्यूड मिलेगा दैट इज इक्वल टू 3.57 इंटू 10 रेज़ टू -3 मीटर।